नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अल्फा विद्या संकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। ओके, स्टैंडर्ड 9th और 10th में आपने फिजिक्स में टॉपिक पढ़ा होगा फोर्स। ओके, तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं। फोर्स वर्ड सुन के आपके दिमाग में डेफिनेशन क्या आती है? सबसे पहले डेफिनेशन जो आपके दिमाग में आएगी वो डेफिनेशन होगी व्हेन वी पुश और पुल अपॉन एनी ऑब्जेक्ट दैट इज नोन एज फोर्स। मतलब कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या हम उसे क्या करते हैं पुल, तो उसे हम क्या अप्लाई करना कहते हैं फोर्स। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट को इस तरीके से हम क्या करते हैं पुश, या इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं पुल, तो उसे क्या अप्लाई करना कहते हैं फोर्स। बट फोर्स डिस्क्राइब करने के लिए वो दो वर्ड सफिशियंट नहीं है। तो कहने का मतलब ये था कि आपके दिमाग में जो फोर्स के लिए मिसकंसेप्शन है वो आज हम क्लियर करने वाले हैं। ओके, तो फोर्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, तो उसके लिए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं बड़ा सा बेसिक। फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर हमने क्या रख दिया ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट है कैसा स्टेशनरी। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सरफेस पर हमने रखा है ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट की कंडीशन क्या है स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब स्टेडी कंडीशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेडी कंडीशन में है तो उस पर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है या नहीं, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, सोचिए ध्यान से, कोई ऑब्जेक्ट अगर स्टेडी कंडीशन में है तो हम कह सकते हैं कि उस पर फोर्स है या नहीं है। तो 99% बच्चों के दिमाग में आंसर यही आया होगा कि इस ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स नहीं है। ओके, फोर्स नहीं है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्या है स्टेशनरी, और यही आपका मिसकंसेप्शन है। ओके, तो चलिए जानते हैं कि इस पर फोर्स कैसे है। तो सबसे पहले एनी फोर्स का आंसर यहां पे क्या आएगा, यस। ओके, इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है। बट अब क्वेश्चन ये है कि फोर्स लग कौन सा रहा है। तो सबसे पहले बेसिक चीज आपको बताता हूं, आपने एक वर्ड सुना होगा, उस वर्ड का नाम है ग्रेविटी। ओके, मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट सरफेस पर है, बट वो सरफेस होगी किसकी, अर्थ की। ओके, तो ऑब्जेक्ट हमने सरफेस पर रखा है, यानी उस ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे रखा है अर्थ के ऊपर। अब सिंपल सा फंडा है, अर्थ का मास क्या होगा ज्यादा, उसके कंपैरिजन में फुटबॉल का मास क्या होगा कम। तो यहां पे अर्थ का मास ज्यादा है, फुटबॉल का मास कम है। तो सिंपल सी बात है कि यहां पे जो भी फोर्स लगेगा वो फोर्स कैसे लगेगा, यहां पे जो भी फोर्स लग रहा है वो लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, क्योंकि ग्रेविटी का सिंपल मतलब क्या है, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट हमने कुछ डिस्टेंस से अगर सेपरेट किए हैं तो उन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो फोर्स किस मैनर में होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहां पे अर्थ का मास ज्यादा है, फुटबॉल का मास कम है, तो सिंपल सी बात है फोर्स कहां लगेगा, टुवर्ड्स अर्थ। ओके, तो सबसे पहले हमें तो यह पता चल गया कि यहां पे फोर्स जो लग रहा है वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, दूसरी बात, एक और फोर्स है जिसे कहते हैं नॉर्मल फोर्स। ओके, ये आपके लिए एक नया वर्ड होगा, बट मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की ट्राई करता हूं कि नॉर्मल फोर्स आखिर कहते किसे है। मान लीजिए कि ये एक सरफेस है और सरफेस के ऊपर हमने क्या रख दिया, एक ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर रखा है, तो नॉर्मल फोर्स ऑलवेज कहां पे लगता है, नॉर्मल फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू क्या होता है, सरफेस। नॉर्मल फोर्स ऑलवेज कहां होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो यहां पे सरफेस कहां है, हॉरिजॉन्टल, तो ऑब्वियसली फोर्स कहां होगा, परपेंडिकुलर। दूसरी बात, ये जो नॉर्मल फोर्स है वो ऑलवेज अप्लाई होता है टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, तो यहां पे ऑब्जेक्ट सरफेस से कहां है, ऊपर, तो नॉर्मल फोर्स भी कहां लगेगा, ऊपर। तो ये जो नॉर्मल फोर्स है वो कुछ इस तरीके से लगता होगा, पहली चीज परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो यहां पे सरफेस कहां है, हॉरिजॉन्टल, तो फोर्स कहां लग रहा होगा, परपेंडिकुलर। दूसरी बात, नॉर्मल फोर्स कहां होता है, टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट।
ओके, तो ऑब्जेक्ट यहां पे कहां है? ऊपर। तो सिंपल सी बात है, फोर्स भी कहां लगेगा? ऊपर। ओके, तो यहां पे सोचिए ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर हमने क्या रखा था बोल? तो यहां पे जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो सिंपल सी बात है कहां की ओर होगा? ऊपर की तरफ। चलिए, तो ये दो आइडिया और दो कंसेप्ट आपके समझ में आगे। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। यहां पे टोटल दो फोर्स है, फर्स्ट वन इज ग्रेविटी एंड सेकेंड वन इज नॉर्मल फोर्स। ओके, तो यहां पे मान लीजिए कि नॉर्मल फोर्स की वैल्यू और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या है? सेम। अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो हम सिंपल सी बात है ऊपर की तरफ जो फोर्स है उसे कंसिडर क्या कर सकते हैं? पॉजिटिव। और नीचे की ओर जो फोर्स है उसे हम कंसिडर क्या कर सकते हैं? नेगेटिव। अगेन आई रिपीट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो फोर्स ऊपर की तरफ है उसे क्या ले सकते हैं? प्लस। और जो फोर्स नीचे है उसे हम क्या ले सकते हैं? माइनस। तो जो फोर्स प्लस है वही फोर्स माइनस है, अगर उन दोनों को हम ऐड करेंगे तो नेट फोर्स क्या बचेगा? जीरो। समझ रहे हो यहां पे? तो कहने का मतलब यह था कि फोर्स ऊपर की ओर जितना है उतना ही नीचे की ओर है, दैट्स व्हाई नेट फोर्स कितना आएगा? जीरो। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि इफ n इज इक्वल टू g देन f नेट, यानी नेट फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। तो कहने का मतलब यह था कि यहां क्वेश्चन यह था एनी फोर्स मतलब इस पर कोई फोर्स लग रहा है तो उसका आंसर क्या आएगा? यस, फोर्स लग रहा है बट उसकी नेट वैल्यू क्या आ रही है? जीरो। दैट्स व्हाई ये ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी कंडीशन में है तो स्टेशनरी कंडीशन में ही रहेगा। चलो इतना क्लियर है, तो वीडियो को हम आगे बढ़ाते। तो यहां पे क्वेश्चन सिंपल सा था कि बॉल स्टेशनरी कंडीशन में है तो उस पर फोर्स लग रहा है, तो आंसर क्या आएगा? यस, मैंने आपको समझाया दो टाइप के फोर्स है, नॉर्मल एंड ग्रेविटेशनल, बट दोनों फोर्स बैलेंस कंडीशन में है, दैट्स व्हाई नेट आंसर क्या आएगा? जीरो। ओके, तो कहने का मतलब यह था कि कोई ऑब्जेक्ट को हम पुल और पुश कर रहे हैं तो उस पर सिर्फ पुल या पुश फोर्स है यह कंपलसरी नहीं है, पुल और पुश करने के अलावा भी दूसरे फोर्स है बट उसका आंसर क्या आ रहा है? जीरो। ओके, दूसरी एक बात, अगर हम किसी बॉल को फॉर एग्जाम्पल क्या करते हैं? किक। ओके, यहां पे एग्जाम्पल इसके बाद हम दूसरा कौन सा लेने वाले हैं कि ये तो स्टेडी कंडीशन में था, अगर इसी बॉल को हम क्या करते हैं? किक। तो सिंपल सी बात है, बॉल कहां पे आ जाएगा? मोशन में। ओके, अगर बॉल मोशन में आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि बॉल मोशन में आ रहा है, यहां पे बॉल स्टेडी कंडीशन में था बट आगे के एग्जाम्पल में हम कंसिडर क्या करने वाले हैं? मोशन। तो फॉर एग्जाम्पल ये बॉल है, इसको हमने ऐसे क्या किया? पुश। तो अब क्वेश्चन ये है कि इस पर फोर्स लग रहा है या नहीं, तो सिंपल सी बात है फोर्स लग रहा है क्योंकि हमने इस बॉल को क्या किया? किक। तो यहां पे ये समझते हैं कि फोर्स कैसे लग रहा है। तो आपको पता ही होगा ये सरफेस थी, सरफेस पे हमने क्या रख दिया था? क्रिकेट का एक बॉल या फुटबॉल का एक बॉल। सबसे पहले फोर्स कौन सा लग रहा होगा? यस, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके अलावा जो दूसरा फोर्स है वो कौन सा लग रहा होगा? नॉर्मल फोर्स। बट हमें पता है जो वैल्यू ग्रेविटी की होगी वही वैल्यू किसकी होगी? नॉर्मल फोर्स की। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कैंसल, मतलब उसके ऊपर वर्टिकल फोर्स नहीं लग रहा है। चलो इतनी बात तो क्लियर हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। इस बॉल को हमने किक किया था मतलब हमने और एक फोर्स लगाया था, और वो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में था? राइट हैंड साइड डायरेक्शन में। अगर राइट हैंड डायरेक्शन में फोर्स लगा उसका मतलब वर्टिकल में तो फोर्स वैसे भी नहीं था, तो फोर्स बचा कौन सा? राइट हैंड साइड डायरेक्शन का। दैट्स व्हाई ऑब्जेक्ट मूव कहां पे किया? राइट हैंड साइड डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब यह था कि यहां पर भी फोर्स लग रहा है, कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स, बट वो दोनों एक दूसरे से क्या है? बैलेंस्ड। That's why answer क्या आता है? जीरो। और एक क्वेश्चन, चलो ये तो समझ में आ गया, बट अगर हम इस बॉल को किक करेंगे तो ऑब्वियसली ये बॉल क्या करेगा? मोशन। बट आपने अगर नोटिस किया हो तो ये बॉल कुछ टाइम के बाद स्टेडी कंडीशन में आ जाएगा, मतलब ये बॉल कुछ टाइम के बाद स्टॉप हो जाएगा। तो अब ये स्टॉप होने का रीजन क्या हो सकता है?
तो यहां पे अगेन वो डायग्राम ड्रॉ करता हूं। पहले हमने क्या सोचा था, सबसे पहले होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कहां पे होगा, नीचे। उसके अलावा दूसरा फोर्स कौन सा था, नॉर्मल फोर्स, वो कहां पे था, ऊपर। अगेन राइट हैंड साइड हमने किक किया था, मतलब हमने जो फोर्स अप्लाई किया था वो कहां था, राइट हैंड साइड डायरेक्शन में। तो अब ये बॉल स्टॉप हुआ कैसे, सोचिए। यस, आपने बिल्कुल सही सोचा है। एक फोर्स आपने पढ़ा होगा, उस फोर्स का नाम है फ्रिक्शन। ओके, और फ्रिक्शन होता कैसे है ये आपको याद रखना है। फ्रिक्शन ऑलवेज कैसे होता है, फ्रिक्शन ऑलवेज होता है ऑपोजिट टू मोशन। जिस डायरेक्शन में हम करेंगे, जिस डायरेक्शन में हम करेंगे मोशन, उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट हमें क्या प्रोड्यूस होगा, फ्रिक्शन। तो कहने का मतलब यह था कि नॉर्मल फोर्स ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, वो दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसल। जितना फोर्स राइट हैंड साइड उतना फ्रिक्शन लेफ्ट हैंड साइड, दोनों फोर्स क्या हो गए, कैंसल। कहने का मतलब कि यहां पर क्या हो गया, जो फोर्स की नेट वैल्यू थी वो कितनी हो गई, जीरो। यस, फोर्स की वैल्यू जीरो हो गई, इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ मोशन नहीं होगा। तो कहने का मतलब यही था कि यहां पर बॉल स्टेडी कंडीशन में आ गया, यानी कि रेस्ट कंडीशन में आ गया। तो उस रेस्ट कंडीशन में आने का रीजन क्या था, रेस्ट कंडीशन में आने का रीजन यही था कि उस पर नेट फोर्स क्या लग रहा है, जीरो। ओके, चलिए आगे समझते हैं। तो ये तो हमें पता चल गया कि नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। ओके, तो ये अभी हमने डिस्कस किया, नॉर्मल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस हो जाएगा। अगेन मानो के कोई एक सरफेस है, वो सरफेस फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस मतलब उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, और उस सरफेस पर अगर हमने किसी बॉल को किक किया तो वो क्या करेगा, सिंपल सी बात है, फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, यानी नॉर्मल फोर्स ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, हमारा फोर्स कहां है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड फोर्स नहीं है, तो वो कैंसल नहीं होगा। अगर वो कैंसल नहीं हो रहा है, उसका मतलब वो बॉल कंटिन्यूअसली क्या करेगा, मोशन। समझ रहे हो इतना? तो कहने का मतलब ये था कि यहां पे हमने दो बात सीखी। दो बात कौन सी, एक स्टेशनरी कंडीशन को लेके, दूसरी मोशन को लेके। ओके, तो कहने का मतलब ये था कि स्टेशनरी वाले केस में हमने क्या देखा था, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये डेफिनेशन आपको ज्यादा समझ में आए। स्टेशनरी कंडीशन में हमने ये देखा था कि अगर कोई बॉल स्टेडी कंडीशन में है तो वो कंटिन्यूअसली स्टेडी कंडीशन में ही रहेगा। उसका रीजन क्या था, उसका रीजन सिंपल था कि हम एडिशनल फोर्स कोई नहीं लगा रहे। ओके, तो सेम फिनोमिना यहां पे, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, मतलब कॉन्स्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है, मोशन, तो वो अपना मोशन कंटिन्यू करेगा। कब तक, जब तक उस पर नेट फोर्स क्या नहीं हो जाता, जीरो। अगर उस पर नेट फोर्स जीरो है, मतलब सभी फोर्स एक दूसरे से क्या है, बैलेंस्ड, तो वो फोर्स वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपना स्टेट कंटिन्यू करेगा। मतलब अगर वो स्टेडी कंडीशन में है तो वो स्टेडी ही रहेगा, अगर वो मोशन में है तो वो अपना मोशन कंटिन्यू करेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब हमने दो चीज सीखी, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी कंडीशन में है, नेट फोर्स जीरो है, तो वो कंटिन्यूअसली रेस्ट कंडीशन में ही रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, अगर उस पर नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो, तो वो अपना मोशन क्या करेगा, कंटिन्यू। ओके, तो ये दो बात आपको समझनी थी। मानिए कि और एक एग्जाम्पल लेते, अगर इस बॉल को हमने किक किया तो वो क्या करेगा, सीधी सी बात है, अपनी स्पीड बढ़ाएगा, दो से स्पीड क्या हो गई, तीन। ओके, तो अब और फोर्स नहीं लगा रहे तो क्या होगा, उसकी स्पीड तीन थी, वो एज इट इज रहेगी, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। कहने का मतलब ये था कि ये दो चीज आपको याद रखनी है। ओके, अगर उसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड की है तो वो 3 मीटर पर सेकेंड की ही रहेगी। ओके, तो कहने का मतलब हमारा कंक्लूजन आज का क्या निकलता है, आज का कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर कोई बॉल रेस्ट कंडीशन में है, बॉल के बदले कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है और उसका नेट फोर्स क्या आता है, जीरो, क्या आता है, जीरो।
ओके, अगर नेट फोर्स जीरो आ गया तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में ही रहेगा। ओके, और दूसरा एग्जांपल हमने कौन सा लिया था, मोशन का, तो उसमें भी सेम फिनोमिना, अगर नेट फोर्स क्या आ गया, जीरो, तो नेट फोर्स अगर जीरो आ गया तो उसका मतलब क्या होगा, वो बॉल अपना मोशन कंटिन्यू करेगा। कहने का मतलब आपके दिमाग में अब तक जो मिसकंसेप्शन था वो अब दूर हो जाना चाहिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है तो उस पर फोर्स नहीं लग रहा है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते। ओके, वैसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उस पर फोर्स लग रहा है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों केस में फोर्स तो है बट उसकी नेट वैल्यू क्या आ रही है, जीरो, जिसके वजह से हमें फोर्स दिख नहीं रहा। ओके, तो ऐसे ही मिसकंसेप्शन आपके दूर करने के लिए हम आते रहेंगे। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।